हेलो स्टूडेंट्स आई एम सुनंदा मेनी एंड आई एम हेयर टू टेक अप अनदर चैप्टर विद यू गोइंग प्लेसेस गोइंग प्लेसेस इज रिटर्न बाय ए आर बार्टन, हु राइट्स अबाउट एडोलसेंट फैंटासाइजिंग एंड हीरो वर्शिप इस लेसन में एक लड़की है जिसका नाम है सोफी सोफ़ी एक एडोलसेंट लड़की है एडोलसेंट मीन्स यंग गर्ल वो अपनी रियलिटी से असलियत से उसकी ज़िंदगी की जो असलियत है उससे दूर भागती है और अपने सपनों की दुनिया में रहना चाहती है एंड उसका एक हीरो है उसके मन में एक हीरो है डेनी केसी जो एक प्लेयर है आयरिश प्लेयर है सॉकर प्लेयर है जिसको वो बहुत वर्शिप करती है इनफैक्ट इतना वर्शिप करती है कि सपनों में वो सोचती है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाएगी वो कब किसी दिन उसका बुटीक होगा वो अपनी असलियत में नहीं रहना चाहती शी इज़ फ्रॉम अ वेरी हम्बल एंड अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली बहुत ही मामूली घर की लड़की है जो अपने स्कूल के फाइनल ईयर में है और जैसा कि बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ते समय काम करते हैं शी वॉज सपोज टू वर्क उसे भी ऐसा ही काम करना चाहिए था किसी बिस्किट फैक्ट्री में या किसी और फैक्ट्री में काम करती जहाँ वो पैसे कमाती बट शी इन डलजेज इन टू हर ओन फैंटसी इन टू हर ओन ड्रीम्स वो अपने ही सपनों की दुनिया में खो जाती है वो अक्सर रियलिटी से दूर जाती है उसकी एक फ्रेंड है जेंसी जो उसको दोबारा खींच खींच के वापस रियलिटी में लेकर आती है और उसे ये बोध करवाती है उसको ये ज्ञान करवाती है कि यह दुनिया हमारी नहीं है हमारी दुनिया गरीबों की वही है जहाँ हमें काम करके पैसे कमाने हैं इसलिए वो उसको बार बार रोकती है कि इन सपनों का कोई फ़ायदा नहीं है इसी तरह से उसका भाई है एक उसका नाम है जेफ़ उसका भाई उसकी बातों का यकीन तो नहीं करता लेकिन आउटराइटली उनको रिजेक्ट भी नहीं करता उसके फादर हैं जिनको इन चीज़ों से बहुत ही नफ़रत है कि वो कैसे दो मिनट में अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है और रियलिटी में वापस नहीं आती बट वो टाइम टू टाइम उसको स्नब करते रहते हैं उसको ये याद करवाते रहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में मेहनत के सिवाय और किसी चीज़ की जगह नहीं है सो दिस चैप्टर इज़ टिपिकल ऑफ an adolescent child's fantasy world and hero worship. akshar is age mein aate hain, it is very characteristic of them, very typical of them to indulge into fantasy. bache sapno mein jaate hain. the girl, sophie, she indulges into fantasizing. when i leave, sophie said, coming home from school, i'm going to have a boutique. सोफ़ी का एक सपना था कि जब वो घर जा रही थी जो वो अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करती है कि जब मैं स्कूल से निकलूँगी तो मेरा एक बुटीक होगा बुटीक समझते हैं जहाँ पे कपड़े बेचे जाते हैं कपड़े बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड बुटीक ऐसा उसका एक सपना था जेंसी लिंकिंग आर्म्स विधहर अलॉन्ग द्रीट लुक डाउटफुल जेंसी उसकी फ्रेंड का नाम है जिसको हर तरह से उसकी बातों पर शक था बिकॉज उसको पता था कि सोफी के पास इतने मीन्स नहीं है तो वो उसी टाइम उसको काटती है और कहती है टेक्स मनी सोफ समथिंग लाइक दैट कि अगर तुझे ऐसा कुछ करना है उसके लिए तुझे पैसे चाहिए होंगे आई फाइंड इट सोफ़ी जो है वो किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती और वो उसको दिलासा देती है कि आई विल मैनेज मैं अपने आप मैनेज कर लूँगी मुझे पा, मेरे पास अपने आप पैसे आ जाएंगे एंड टेक यू अ लॉन्ग टाइम तो जेंसी उसको बोलती है टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच कि तेरे को बहुत लंबा टाइम लगेगा उतने पैसे बचाने के लिए बट शी इज नॉट बॉदर्ड वेल आई विल बी अ मैनेजर देन येस ऑफकोर्स टू बिगिन विद टिल आइव गॉट एन ऑफ बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक तो वो अपने सपनों में अपने मन में एक सपना लेके चलती है कि मेरा एक बुटीक होगा जहाँ पे मेरा इस तरह के कपड़े बेचे जाएंगे, एंड वो कहती है कि मुझे मालूम है कि मैं कैसे मैनेज करूँगी जब मैं मैनेजर बन जाऊँगी उस बुटीक की तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे और पहले मैं कहीं पे मैनेजर बनूंगी और फिर उसके बाद मैं अपना बुटीक ले लूँगी एंड बातों बातों में ही शी टेल्स सोफ़ी दैट शी माइट गेट मैरिड टू डेनी केसी और उसी की बुटीक की वो ओनर बन जाएगी केसी एक प्लेयर है आयरिश प्लेयर जिसको वो बहुत एडमायर करती है एंड शी गोज ऑन टू दैट मैं उस बुटीक की ओनर बन जाऊँगी Gen Z knowing they were both earmarked for the biscuit factory, earmarked means Usi cheez ke liye bane the. Sirf biscuit factory mein kaam karne ke liye bane the. That there is no point indulging in fantasizing, there is no point indulging in dreams She has to come back and work in, work in biscuit factory इट बिकेम मलंकली सैड हो गया था उसके लिए बहुत उदास हो गई थी वो इन बातों से शिविस्ट सोफ़ी वुडन से दीज थिंग्स और वो ऐसा विश करती है कि सोफ़ी ऐसी बातें ना करे और बल्कि जल्दी से जल्दी कमाना शुरू करे और अपने घर वालों की कुछ मदद करे इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे इन आवर सोफ यू रियली शुड बी सेंसिबल दे डोंट पे वेल फोर शॉप वर्क यू नो देट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट सो उन दिनों में अगर कोई शॉप में काम करता था तो उसको इतने पैसे नहीं मिलते थे अगर वो फैक्ट्रीज़ में काम करते थे बच्चे तो उनको पैसे मिलते थे एंड जेंसी उसको समझाने की कोशिश करती है दैट देर इज़ नो पॉइंट इन इन दीज ड्रीम्स तुझे शॉप में नहीं काम करना इन फैक्ट यू शुड वर्क इन अ फैक्ट्री ताकि तुम पैसे कमा सको एंड शी वॉज वेरी श्योर कि उसके फादर उसको कभी अलाउड नहीं करेंगे और एन एक्ट्रेस नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट सोफ़ी के बहुत से सपने थे उसका एक ये भी सपना था दैट शी वुड बिकम एन एक्ट्रेस क्योंकि उसे ऐसा लगता था एक्ट्रेस बनने में बहुत पैसा मिलता है एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड दैट मीन्स साइड बाई साइड उसका बुटीक चलता रहेगा एक तरफ वो एक्टिंग का काम करती रहेगी बिकॉज एक्ट्रेस फुल टाइम काम नहीं करती हैं ऐसा सोफ़ी का मानना था एंड शी सेड एनी वे दैट और अ फैशन डिजाइनर यू नो समिट सोफिस्टिकेटेड तो उसको अट सोफिस्टिकेटेड मीन्स अ लिटल डिफरेंट फ्राम वट पुअर पीपल डू समिंग वट रिच पीपल डू उसको हमेशा जिंदगी में बहुत अमीरों की तरह लाइफ जीनी थी और वो या तो एक्ट्रेस बन जाती या फैशन डिजाइनर बन जाती या उसका बुटीक हो जाता या किसी बुटीक में मैनेजर बन जाती ऐसा कहते हुए उसका घर आ गया इफ एवर आई काम इन टू मनी आल बाई ए बुटीक ऐसा वो कहते हुए जेंसी को बाय बाय बोल रही थी और अपने घर में एंटर कर रही थी कि अगर कभी मेरे पास पैसे हुए तो मैं बुटीक खरीदूंगी तो ये चीज़ उसके फादर सुन लेते हैं जो उस टाइम पे घर पे होते हैं उसके फादर एक बहुत ही हम्बल एंड अ पुअर पर्सन जिनके चेहरे पे बहुत सा पसीना आया हुआ है और वो एक शेफर्ड पाई खाने की कोशिश कर रहे थे काम से थके हारे वो घर पे आते हैं इज अ फैट मैन प्लम्प मीन्स फैट हिज फेस स्टिल ग्राइमी एंड स्वेट मार्क्ड फ्रॉम द डे एट मीन्स उसके मुंह पे बहुत सा पसीना था तो उसके फ़ादर उसकी ये बात सुन के उसे कहते हैं हा इफ़ यू एवर कम इन टू मनी इफ़ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन थैंक यू वेरी मच तो उसके फ़ादर को ये उसकी आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी वो उसी टाइम उसकी बात काटते हैं और उसको कहते हैं हा मजाक उड़ाते हुए बार बार एक ही बात कहते हैं इफ़ यू एवर कम इन टू मनी इफ़ यू एवर कम इन टू मनी रेपिटेशन है ये उस बात की ताकि उसको एक बार असलियत का पता चले एक बारी असलियत का दोबारा से ज्ञान हो कि हमारे पास पैसे नहीं हैं सो ही रिमाइंड सेम कि इफ़ यू एवर हैव मनी कि अगर तेरे पास कभी पैसा होगा तो और कुछ ना सही हमें एक डिसेंट घर ले देना जिसमें हम रह सकें दैट मीन्स उनका घर भी रहने लायक नहीं था शी वॉज फ्रॉम अ वेरी वेरी पुअर फैमिली दे कुड नॉट इवन अफोर्ड टू हैव अ डीसेंट हाउस सो हर फादर रिमाइंड हर दैट इफ एवर यू हैव मनी योर प्रायोरिटी शुड बी टू लिव इन अ डिसेंट हाउस रादर देन बाय अ बुटीक फॉर योर सेल्फ शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज और उसे वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है इसे ऐसा लगता है जैसे पैसे पेड़ों पे उगते हैं मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डोंट शी डैड सेड लिटिल डेरेक हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर डेरेक उसके ब्रदर का नाम है जो वो उसके फादर के पीछे से थे और उनसे ये कहता है कि इसे ऐसा लगता है कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं सोफ़ी वॉच हर बैक स्टूप ओवर द सिंक स्टूप मीन्स झुके हुए वो सिंक पे अपना मुंह धोने जाती है और अपने भाई को देखती है अपने आप को देखती है और उसकी मदर को देखती है जो वहाँ पे झुकी हुई है उसकी कमर झुकी हुई है मदर इज़ ए नॉन आइडेंटिटी इन दिस चैप्टर शी डजेंट से मच बट उसकी वो प्रजेंस और उसकी जो अपेयरेंस है उससे हमें पता चलता है कि यह बहुत ही गरीब परिवार है गरीब फैमिली है द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक टन दिनोज शाम हो रही थी और उसकी वहाँ से स्टोव की वहाँ से स्टीम आ रही थी बहुत सारा मेस था बहुत जगह नहीं थी वो एक छोटा सा घर था जहां पे उसके फादर जो बहुत हेवीली बिल्ट थे वो बैठे हुए थे और उनकी सांस की आवाज आ रही थी छोटा सा घर था पीछे से स्टोव जल रहा था मदर काम कर रही थी एंड उसका ब्रदर भी वहीं पर बैठा हुआ था उसके ब्रदर का नाम जेफ था जो कि वहाँ पे बैठ अपना कुछ मैकेनिक का काम सीख रहा था वहाँ पे उसने कुछ पुरजे रखे हुए थे जिनके ऊपर वो काम कर रहा था ही वॉज नीलिंग डाउन इन द नेक्स्ट रूम टिंकरिंग पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज पेपर स्प्रेड ऑन द कार्पेट उसने कारपेट के ऊपर न्यूज पेपर बिछाया हुआ था और वहाँ पे मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स को वो रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो अभी नया नया मैकेनिक का काम सीख रहा था मैकेनिक, मैकेटिस मीन्स अंडर ट्रेनिंग ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू साइड ऑफ दिटी काफ़ी दूर सिटी में वो ये काम सीखने के लिए हर रोज जाता था He was ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ his लाइफ अबाउट which शी knew नथिंग अब कुछ उसकी जिंदगी के ऐसे हिस्से थे जिनके बारे में उसको बिल्कुल भी नहीं पता था बिकॉज ही डिड नाट टॉक मच उसे बहुत ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी आगे चल के उसके भाई जेफ के बारे में कहा जाता है दैट ही सेड लिटल एट ऑल एवर वॉल्टेरली यानी कि अपनी मर्जी से वो बहुत ही कम बोलता था वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम दैट मीन्स उसके अंदर से शब्द निकालने पड़ते थे उसे इतना मजबूर करना पड़ता था कि वो कुछ बोले इतना ही क्वाइट नेचर का वो इंसान था एंड शी वॉज जेलेस ऑफ ए साइलेंस और सोफ़ी को उसकी साइलेंस उसके चुप रहने से जेलेस फील होता था ऐसा लगता था कि वो दुनिया के उस हिस्से में पहुंच गया जहां उसकी पहुंच नहीं है जहाँ वो कभी जा नहीं पाई या जहाँ वो कभी सोच नहीं पाएगी कि वो कहाँ जा रहा है दैट मीन्स उसके दिमाग में कुछ तो चलता था वो कुछ अपने आप से सोचता रहता था जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करता था एंड सोफ़ी को हमेशा ये एंग्जाइटी रहती थी जानने के लिए कि उसका ब्रदर कहाँ सोच रहा है किन लोगों के साथ एसोसिएटेड है क्या वो कर रहा है शी वॉन्टेड टू नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट हर ब्रदर बट इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज हर ब्रदर नेवर शेयर्ड मच विद एनी वन ना दे अटेंड स्पेशल फेस्टिनेशन सिम्पली बिकॉज देवर अन नोन टू हर एंड रिमेंड आउट ऑफ हर रीच वो ऐसी जगहों पर अपने आप को सोचती थी कि वो जाता है अपने मन से सोफी ये सोचती थी कि वो ऐसी जगहों में जाता है जिनको जो उसके लिए बिल्कुल नहीं है और वो शायद वहाँ कभी भी ना गई है ना जा पाएगी इसी लिए उसको उससे भी ज़्यादा एंगजाइटी रहती थी उत्सुक रहती थी वो ये जानने के लिए कि उसका ब्रदर क्या सोच रहा है पीपल, एग्जॉटिक इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ़ होम ही नेवर स्पोक। सोफी को ऐसा लगता था कि शायद पर शायद, शायद उसके ब्रदर की जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और उनके बारे में वो कभी भी बात नहीं करता था इट वॉज़ पॉसिबल दो ही वॉज क्वाइट एंड didn't मेक न्यू फ्रेंड्स easily। वो इसलिए ऐसा सोचती थी क्योंकि वो चुप रहता था और बहुत जल्दी नए लोगों को अपना दोस्त नहीं बनाता था शी लॉन्ग्ड टू नो देम और उसकी बहुत इच्छा होती थी कि वो उनके बारे में जान ले शी विस्ट शी कुशंज एंड समे ही उसका ऐसा ख्वाब था उसका ऐसा सपना था कि किसी एक दिन उसका ब्रदर उसे भी अपने साथ ले जाएगा और उन लोगों से मिलाएगा और उन जगहों को दिखाएगा जहाँ वो जाता है दो देर फादर फॉरबेड इट एंड जेफ हैड नेवर एक्सप्रेसड एन ओपिनियन शी न्यू ही थॉट हर टू यंग उसके फादर भी शायद उस बात को मना करते थे और उसका भाई ये सोचता था कि वो अभी बहुत छोटी है वो उसके साथ उसकी दुनिया में नहीं जा सकती उन लोगों से नहीं मिल सकती जिनसे वो मिलता था या जिनसे वो बात करता था कॉन्शियसर वेटिंग अंदर से उसको ऐसा महसूस होता था दैट शी वुड फील एज एट होम देयर एज इन दिटी विच होम लेकिन सोफी को ऐसा लगता था कि अगर वो अपने ब्रदर के साथ उस दुनिया में जाएगी जहाँ वो जाता है तो उसे बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं फील होगा शी सो हर सेल्फ राइडिंग दे बिहाइंड जेफ अब वो सपना देखती है कि वो अपने ब्रदर के पीछे बैठी है और उसने कुछ शाइनिंग ब्लैक लेदर के कपड़े पहन रखे हैं येलो ड्रेस है, है जिसमें एक केप है केप पीन स्काफ जो उड़ रहा है उसके बाल पीछे उड़ रहे हैं एंड शी इज गोइंग विद हर ब्रदर So, उसको इतनी सपने देखने की आदत थी कि वो हर टाइम कुछ ना कुछ सपना अपने मन में बुनती रहती थी अब वो अपने ब्रदर के पास जाती है एंड शी सेज आई मेट डेनी केसी। सोफी सेड और अपने ब्रदर को जाके कहती है कि मैं डेनी केसी से मिली थी डेनी केसी एक आयरिश सॉकर प्लेयर है जिसको उसका ब्रदर बहुत पसंद करता है और सोफी खुद भी बहुत पसंद करती है इतना पसंद करती है कि उसको हीरो की तरह वर्शिप करती है पूजा करती है उसकी आई मेट डेनिकेसी सोफी सेट ही अब उसका ब्रदर उसकी बात का यकीन नहीं करता लेकिन वो एक सटल तरीके से एक ऐसे तरीके से उसको रियलिटी का ज्ञान दिलाता है उसको वापस रियलिटी में लेके आता है कि सोफ़ी को हर्ट भी नहीं फील होता और समझ में भी आता है के वो सपनों की दुनिया में ही लुकड अब्रप्टली वेयर इन दर्किड फनलीफ तो सोफी जो है शी इज वेरी गुड एट में मन घड़त कहानी बना लेती है और बोलती है कि मैंने उसको शॉपिंग आर्केड में यानी कि शॉपिंग प्लाजा में देखा था इट्स नेवर ट्रू अब उसके ब्रदर को ये पता है कि जो सोफी बोल रही है वो ठीक नहीं है एंड ही सेज इट इज नेवर ट्रू

अपने विचारों की कहानी बना लेती है और वो बोलती है देर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ इन रॉयस विंडो वन गेम एंड टूड बिसाइड मी एंड आई लुक टाउंड एंड हु शुड इट बी बट डेनी के सी सो शी सेज दैट आई लुकिंग एट वलो मैं कपड़े देख रही थी उस शॉप पर रॉयस की विंडो में से तो कोई मेरे पीछे आके खड़ा हो गया एंड हु वुड इट बी डेनी के सी तो ऑल राइट वट डज ही लुक लाइक ओ कम ऑन यू नो वट ही लुक्स लाइक क्लोज टू आई मीन अब उसको पूछता है कि वो कैसा दिखता है अब सोफ़ी ने बहुत से बार उसको खेलते हुए भी देखा था और उसकी फ़ोटो भी देखी थी तो शी इज वेरी स्मार्ट और एकदम से उसका जवाब देती है ओ कम यू नो तुम्हें तो पता ही है वो कैसा दिखता है बट स्टिल शी गोज ऑन टू मेक हर स्टोरी मोर कन्विंसिंग अपनी कहानी को बहुत ज़्यादा यकीनदायक बनाने के लिए शी सेज हैज़ ग्रीन आइज जेंटलाइज एंड सो टॉल एज यू वुड थिंक शी वंडर्ड इफ़ शी वो शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट तो उसके फिजिकल फीचर्स एक्सप्लेन करती है दैट ही इज़ गॉट ग्रीन आईज एंड ही इज टॉल फिर कुछ उसके दांतों के बारे में कहना चाहती है बट देन शी डज नाट अब उसके फादर जो हैं वो उसकी बातों का यकीन नहीं करते हैं और वो वहाँ बैठे सब कुछ सुन रहे होते हैं अपना मूड हो चुके होते हैं एंड ही स्विस्ट ऑन द टेलीविजन टॉस्ट वन ऑफ लिटल डेरक्स शूज डैरिक सोफ़ी का छोटा भाई है और वहाँ से वो चेयर से उसके शूज़ हटा के वहाँ पे बैठ जाते हैं और टीवी देखते हैं इतने में ब्रदर जेफ़ जो होता है वो उसके फादर को बताता है कि सोफ़ी डेनी केसी से मिली थी अब उसके फादर को बिल्कुल भी इन चीज़ों का यकीन नहीं था और वो कहते हैं सोफी टेबल रिगल्ड मीन्स एकदम से अपने आप को झिंझोड़ लेना उसको एकदम से घबराहट हो गई कि अगर मेरे फादर को ये सब पता चल गया तो ऑब्वियसली मुझे डांट पड़ेगी और वो फिर से एक बार कहेंगे कि ये स्टोरी तुम ही ने बना रखी थी सोफी रिगल्ड वे शी वॉज सिटिंग एट द टेबल हर फादर टर्न टू हिज हेड ऑन ए स्थिकेशन वॉज वन ऑफ डिसक नफरत और उसके फादर कहते हैं उसके फादर से पहले जेफ कहता है इट्स ट्रू और जेफ कहता है कि ये सच है कि सोफी डैनी केसी से मिली थी आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम हिज फादर सेड रेवरेंटली रेवरेंटली मीन्स रिस्पेक्टफुली टू द टेलीविजन बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो और उसके फादर एकदम से एक सच्ची बात बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे एक ऐसा आदमी जानता था जो टॉम फिनी को मिनाल था टॉम फिनी एक फेमस इंसान था जो टेलीविजन पे आया करता था सो so, उसका कहना था कि ऐसी बहुत सी बातें मैंने सुनी हैं कि मैं उससे मिला था मैं इससे मिला था दैट मीन्स उसके फादर जो थे वो अ टोटली प्रैक्टिकल पर्सन and he knew that Sophie was not in habit of telling the truth. She was in habit of making stories. तो वो एकदम से उसकी बात को यकीन नहीं करते और बोलते हैं कि मुझे भी ऐसा इंसान जानता जो Tom Finney को मिला था। You told us, Jeff said, Casey might be that good someday. Better than that even, he is the best. So the entire family. एडमायर्ड डेनी केसी एज अ प्लेयर फादर भी ब्रदर भी सब डेनी केसी को एज अ सॉकर प्लेयर बहुत पसंद करते थे इफ़ ई कीप्स हज हेड ऑन हिज शोल्डर इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली अ लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर यंगस्टर इन दिस गेम इन द गेम दीज डेज ही विल बी ऑल राइट ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री अब उनका ऐसा मानना था कि डैनी केसी Agar apna, if he keeps his head on his shoulders, that means agar was sahi sochega, sahi se khelega. He's very young, he's older than I am, too young really for the first team. You can't argue with that sort of ability. He's going to buy a shop, Sophie said from the table. Her father grimaced, where did you hear that? तो सोफ़ी पीछे से बात काट के अपनी बात को अपनी स्टोरी को एक कन्विंसिंग स्टोरी बनाने के लिए बीच में से कहती है कि अब वो शॉप खरीदने वाला है तो उसके फादर पूछते हैं कि तुमने ये कहाँ से सुना ही टोल्ड मी सोफ तो सोफ़ी कहती है कि डैनिकैसी ने खुद मुझे ऐसा बताया है ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैगड राउंड इन रॉउंड चेयर दिस दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज सो उसके फादर को बिल्कुल अच्छी तरह से पता था कि दैट सोफी इज़ इन हैबिट ऑफ मेकिंग स्टोरीज एंड ही इज इट अनदर स्टोरी ऑफ योर्स मेट हिम इन दर्किड जेफ सेम हाउ इट है जेफ पूरी बात बताता है कि ये उसको शॉपिंग आर्केड में मिली थी एंड डिटेल्स

ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू सो वो कहती है कि जेफ़ को सब कुछ पता है जेफ को सब पता है कि ये सच बात है तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ उसका भी ऐसा ख्याल है कि उसे ये चीज़ें मान लेनी चाहिए और उसको शायद बहुत अच्छी लगेंगी अगर वो मान जाएगा बट वो नहीं मानता देट मीन्स फादर एज वेल एज ब्रदर both of them knew that sophie is in habit of dreaming and talking things which never happened but somehow the father said it very clearly on, on her face whereas her brother said it in a very subtle way that did not hurt sophie at all the table lamp cast an amber glow amber means yellow ब्रदर्स बेडरूम वॉल एंड अक्रॉस द्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्कवाड और उसके ब्रदर के कमरे की दीवार पे लैम्प की लाइट पे वो एक पोस्टर देखती है जहाँ पे यूनाइटेड एक टीम का नाम है उसके टीम के तीन प्लेयर्स की फोटो लगी हुई थी और उनमें से डैनी के सी भी एक था प्रोमिस यूल टेल नो वन सोफी सेट तो सोफी Takes a promise from her brother that he would not tell this to anybody. And he said, Yes, I would know. promise Jeff, dad would murder me. So he said, tum mere se promise karo, otherwise father, dad mera murder kardenge, agar ye baat kisi or kubi patalagi, because father will not like it that his daughter is going and telling people. All around that she met Denny Casey. And she goes a little further and imagines, please, Jeff, Christ, Sophie, you are still at school. Casey must have strings of girls. So, Jeff, he remind karwata that Denny Casey must have a lot of girlfriends and you are still at school. Why would he bother for you? He wanted her to come back to reality. But Sophie would refuse to do that, and she says, No, he doesn't. She somehow, you know, has a guarantee in her own mind that Denny Kesi has fallen for her. And she says, no, Denny Kesi does not have any girlfriends. As if anyone would tell a girl something like that. Yes, he did. He isn't like that. He's quiet. So Sophie first se kahani banane me a mahirthi. फिर से एक बार कहानी बनाती है कि और कहती है कि हाँ मुझे उसने ऐसा बताया था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है एंड kind of like ही इज वेरी क्वाइट काइंड ऑफ अ पर्सन नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली इट वॉज नथिंग लाइक दैट जेफ इट वॉज मी हु स्पोक व्हेन आई सो हु इट वॉज आई सेड एक्सक्यूज मी बट से उसने तो मेरे से कोई बात ही नहीं करी मैंने ही इनफैक्ट बात शुरू करी और मैंने ही उससे कहा कि एक्सक्यूज मी आई यू डेनी कैसी और वहाँ से हमारी बात शुरू हुई एंड शी इवन गोज ऑन टू से एंड ई लुक सॉर्ट ऑफ सरप्राइज एंड ई सेड येस दैट्स राइट एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट यू नो लाइक वन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविज़न अब टेलीविजन पे उसकी इंटरव्यू सुनी हुई थी सोफी ने सो शी कुड मेक आउट द सेम काइंड ऑफ स्टोरी एंड शी सैट की उसकी आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसी हम इंटरव्यू में सुनते हैं और उसको एकदम से पता लगा एंड शी ट्राइड टू शो कि मैंने डेनी डेनिकेसी से बात इसलिए शुरू करी दैट आई वॉन्टेड ऑटोग्राफ्स फॉर यू पीपल शी सेट कि मैं उससे ऑटोग्राफ जब मांगने गई तो हमारे दोनों के पास पेन नहीं था एंड हम वहाँ पर खड़े रहे हम और और बातें करते रहे एंड इन द एंड ही टोल्ड हर

ही पेड मोर अटेंशन हिज क्लोथ्स एंड हिज वस उसको ऐसा लगता था और वो ऐसा कहती है जेफ से कि मुझे लगता है कि उसे अपनी अपेरेंस मीन्स आउटलुक और अपने कपड़ों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए दो शी फाउंड हिम हैंडसम एंड शी शोड टू जेफ दैट ही हैड फॉलन फॉर हर लेकिन जेफ उसकी बातों का यकीन नहीं करता एंड ही इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड के ऐसा होना शायद कभी भी पॉसिबल नहीं है मैंने ऐसी इम्पॉसिबल बात पहले कभी भी नहीं सुनी है ऑन सैटरडे दे मेड दे वीकली पिलग्रमेज टू वॉच यूनाइटेड सैटरडेज को वो हर हफ्ते वहाँ पे मैच देखने जाया करते थे सॉकर मैच यूनाइटेड मैच के एक

और सोफी उसका छोटा ब्रदर डेरेक और उसके फादर नीचे काफी पास में गोल के जाके बैठ गए गेम शुरू होती है और वो सब उसको बहुत इन्जॉय करते हैं एंड केसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस अ ब्लेंड मींस मिक्सचर इनोसेंस भोलापन जीनियस लाइक like होना बहुत काबिल होना डेनिक केसी एक गोल करता है गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास सो उसके फादर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं स्क्रीमिंग मीन्स शाउटिंग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं गेम में कि वो उसको इंस्ट्रक्शंस देने लगते हैं आप उसमें इतने इन्वाल्ड हो और एक्साइटेड हो कि आप प्लेयर को बता रहे हो कि वो कैसे करे दिस इज वॉट दे मेंट दैट दे वर सो फॉन्ड ऑफ दैट गेम दैट दे टू वॉच इट रेगुलरली एंड एडमायर डेनी केसी सोफी ग्लोड विद प्राइड। आफ्टर जेफ वॉज एक्सटेटिक एक्सटेटिक मीन्स बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाना पागलपन की हद तक आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन साम सेन द बस आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप Little Derek told his mother when Sophie brought him home, her father was gone to the pub to celebrate. So they were all for this Irish player, Usiki Tariff Karte, Usiko Support Karte, because they were from Ireland. Though people in the crowd wanted him to play from England's side and be an English player rather than being an Irish player. So his father was so excited that he went to the pub. टू ड्रिंक एंड सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ डेनिकेसी वट्स दिस यू बिन टेलिंग जेंसी सेड नेक्स्ट वीक सो नेक्स्ट वीक सोफीज फ्रेंड जेंसी मेटर और उससे वो पूछती है कि तुम सब लोगों से ये क्या बताती जा रही हो अबाउट वॉट योर जेफ टोल्ड अवर फ्रेंक यू मैट डेनिकेसी सो जेंसी उसे कहती है कि तेरे भाई ने हमारे फ्रेंक को बताया है कि तुम डेनी केसी से मिली थी बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड स्टार्टल्ड मीन्स एकदम से घबरा गई दिस वॉज एन इंक्विजिशन जस्ट जेंसी बीग नोजी इंक्विजिशन इंक्विजिटिव से बना है दैट मीन्स जेंसी इस बात को जस्ट एक जानने के लिए नहीं पूछ रही थी बट शी वॉज बींग नोजी नोजी मीन्स इंटरफेयरिंग एंड शी न्यू कि जेंसी इस बात को कुरेद रही है एंड सोफ़ी वॉज स्टार्टल्ड ओ दैट तो वो एकदम से हैरान होती है और ओ दैट ऐसा उसका एक्सप्रेशन आता है जेंसी फ्राउंड सेंसिंग शी वॉज कवरिंग येस दैट वेल येस आई डिड यू नेवर डिड और सोफ़ी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि हाँ मैं उससे मिली थी और जेंसी उसको उसी टाइम उसकी बात को काट के कहती है कि नहीं तुम उससे कभी भी नहीं मिली थी तो देट मीन्स जेंसी इज़ रिमाइंडिंग हर कि तुम ये अपनी आदत को छोड़ दो तो जो तुम झूठी मन घड़त कहानियाँ बनाती हो इस आदत को छोड़ दो सोफ़ी ग्लेड एट द ग्राउंड डैम दैट जेफ दिस वॉज अ जेफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग इसका मतलब है कि सोफ़ी कहती है कि ये जो बात मैंने जेफ को बताई थी वो सिर्फ जेफ को ही पता होनी चाहिए थी जेंसी को नहीं पता होनी चाहिए थी वाई बिकॉज इट वॉज समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन दैम अ सीक्रेट विच शी शेयरड विद हर ब्रदर एंड इट वॉजेंट अ जेंसी काइंड ऑफ अ थिंग एट ऑल जेंसी काइंड ऑफ अ थिंग एट ऑल मीन्स कि जेंसी को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए थी जेंसी इस काबिल नहीं है कि उसे ऐसी सीक्रेट बातें पता चलें इट वॉजेंट अ जेंसी काइंड ऑफ अ थिंग एट ऑल टेल गौकी जेंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो गाकी मीन्स ऑकवर्ड इस ची सेट कि अगर हम जेंसी को ऐसी बातें बता देंगे तो पूरे नेबरहुड में पड़ोस में ये बात बहुत जल्दी से फैल जाएगी बिकॉज जेंसी वॉज अ र्यूमर मोंगर जो बहुत जल्दी बातों को फैला देती थी इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी आई कीप अ सीक्रेट सो इफ यू नो दैट और जेंसी उसे एश्योरेंस देती है कि मैं भी तेरी सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूँगी मैं किसी से नहीं बताऊँगी आई वॉज गोइंग टू टेल एनी वन दैट विल बी राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हेयर अबाउट इट तो सोफी कहती है कि अगर मेरे फादर को ये पता चल गया कि लोगों को ये बात पता है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा एंड क्यों बुरा लगेगा जेंसी ब्लिंकड अ रो Ro means controversy. I would have thought he would be एज as anything. शफ्ट means happy. तो जेंसी कहती है मुझे तो ऐसा लगा कि तुम्हारे फादर बहुत खुश हो जाएंगे वो इन अ वे उसको टॉन्ट कर रही है कि अगर तुम झूठ मन गड़त कहानियाँ बना रही हो तो तुम डरते क्यों हो तुम्हारे फादर तो बहुत खुश हो जाएंगे कि तुम एक सेलिब्रिटी के साथ इन्वॉल्व हो शी रियलाइज दैट जेंसी didn't नो अबाउट दिस डेट बिट

जीजस आई विश आई हैड आई वुड हैव बीन देर सो उसका ऐसा मानना था कि जेफ ने उसको कुछ नहीं बताया ऑफकोर्स माई डैड डिडेंट वॉन्ट टू बिलीव इट शी सेज कि मेरे फादर इस बात को बिलीव नहीं करना चाहते थे बट मैं एक्चुअली मैं उससे मिली थी और सिर्फ ऑटोग्राफ लेने के लिए मिली थी उसको जेंसी को बाकी की बातें नहीं पता थी जेंसी की एश्योरेंस के बाद सोफ़ी ट्राइड टू गो टूवर्ड्स द कैनाल जहाँ वो उससे मिलने की इमेजिनेशन में है। शी वॉक्स टूवर्ड्स द कैनाल बहुत ही रोमांटिक नेचर और रोमांटिक सेटिंग की तरफ सोफ़ी जाती है एंड शी वांट्स टू बी देयर नियर द वॉटर एंड यू नो सिट देर वेटिंग रोमांटिकली फॉर डेनिकेसी टू कम So after dark she walked by the canal along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water and unceasing drone of the city was muffled and distant it was a place she had often played when she was a child wahan as a, a child and wooden bench solitary elm solitary पेड़ means akela bench there. She was वे लवर्स जहाँ पे बहुत ही रोमांटिकटमोसफियर था और लवर्स अक्सर बैठा करते थे इट वॉज अ परफेक्ट प्लेस वहाँ वो जाके बैठती है एंड देन शी वॉज अलॉन्ग द कैनाल सींग हिम कमिंग आउट ऑफ द शेडोज इमेजनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट वहाँ वो बैठ के इमेजिन करती है दट डेनी टूवर्ड्स हर he's walking towards her. arfivuk ketna, excited, karegi. she keeps on thinking about these things. that means Kehne ke she does not stop from indulging in fantasy. here i sit, she said to herself, wishing denny casey would come, wishing he would come and sensing the time passing. i feel the pangs of doubt stirring inside me.

वट एम आई गोइंग टू टेल माई फैमिली इफ ही अपनी फैमिली को आगे क्या कहानी बनाऊँगी उनको मैं कैसे बताऊँगी कि वो मेरे से मिलने नहीं आया हाउ केन यू हेल्प वट पीपल चूज टू बिलीव बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डिस्पॉन्डेंट डिस्पोंडेंट मीन्स उदास दिस नोइंग आई नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी शी से अब उसको इस बात की उदासी हो रही है कि मैं अब उनको कभी भी यकीन नहीं दिला पाऊंगी कि वो मेरे पे जो शक कर रहे थे वो गलत थे सो नाउ आई हैव बिकम सैड शी thought एंड इट इज़ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस इस उदासी को साथ में ले जाना उसके लिए बहुत बर्डन सम हो गया था इसका मतलब उसे उदास वो इतनी उदास हो गई थी कि उसे वो एक बोझ लगने लगा था सिटिंग एयर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विध दिस बर्डन और उस बोझ के साथ वो फ्यूचर में कैसे रह पाएगी वो अब उसके बारे में सोचने लगती है कि अब अपनी फैमिली को जाके वो क्या मुँह दिखाएगी और क्या कहानी बनाएगी कि डैनी कैसी उसे क्यों नहीं मिलने आया ऑलरेडी आई एनविसाइज द स्लो वॉक होम एंड जिफ्स डिसअपॉइंटेड फेस वेन आई टेल हिम ही डिडेंट कम दैट डैनी और वो इमेजिन कर रही है कि उसका भाई कितना मायूस होगा डिसअपॉइंटेड मीन्स मायूस होगा जब उसे वो ये बताएगी कि डैनी केसी नहीं मिलने आया एंड देन ही फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर वी नो हाउ इट वॉज आई शिल टेल माई सेल्फ डैनी एंड मी इट्स अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस जिससे जब उसको पता लगेगा तो वो दरवाज़ा पटक के मारेगा और मुझे अब उसके बाद अपने आप को ये समझाना है कि मेरे साथ जो हुआ या जो मैंने कहा वो एक्चुअली में सच ही था ये सिर्फ मेरे और डैनी के बीच में है इसलिए इस बात को कोई और यकीन नहीं कर रहा शी क्लाइम द कर्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट आउटसाइड द पब शी पास फादर्स बाइसिकल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल एंड वॉज ग्लैड तो वो स्ट्रीट में एंटर होती जहाँ उसका घर था वहां पे वो देखती उसके फादर का साइकिल जो है वो पब के पास खड़ा हुआ था वो खुश थी कि उसके फादर घर पे नहीं होंगे जब वो जाएगी Excuse me, but aren't you Danny Casey coming through the arcade? She pictured him again outside Royce's. First say uska man nahi Manta aur imagine kar rahi hai ke Danny Casey se bol rahi thi ke tumhi ho na jise Royce's window ke bahar mili He turns reddening slightly. Yes, that's right. I watch you every week with my dad and my brothers. And she says, Yes, मैं तुम्हें हर हफ्ते अपने फादर के साथ और अपने ब्रदर्स के साथ तुम्हें मैं खेलते हुए देखती हूँ वी थिंक यू आर ग्रेट और हम ये मानते हैं कि तुम बहुत ही महान प्लेयर हो आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ हिज आइज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन हिज नोज इज फ्रैकल्ड फ्रेकल्ड मीन्स उसके ऊपर ब्राउन धब्बे हैं एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली फिर से वो उससे ऑटोग्राफ मांगती है और वो अपने उस तरफ मुड़ता है वेन ही स्माइल्स एंड इट डज सो शाइली शर्माते हुए वो स्माइल करता है एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन उसके दांतों में गैप हैं शायद इसीलिए सोफ़ी ने पहले उसके बारे में नहीं बताया था एंड वो उनकी तरफ देखता है लुक स्ट्रेट एट यू सीम टू शिमर उसकी आइज़ जो हैं वो शाइन कर रही हैं दे सीम जेंटल ऑलमोस्ट अफ्रेड लाइक अ गैजल्स गैजल मीन्स हिरन हिरन की तरह उसकी आंखें हैं जो चमक रही हैं एंड यू लुक अवे यू लेट आइज रन अवे यू अ लिटल एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रेथलेस एंड इस इज़ आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल और फिर वो ये सोचती है कि जब वो दोबारा उससे ऑटोग्राफ मांगती है वो फिर से ये कहता है कि मेरे पास पेन है ही नहीं इसीलिए ऑटोग्राफ्स नहीं दे पा रहा हूँ तो शायद ये कहानी अब वो दोबारा जाके अपने घर वालों को बताएगी कि फिर से उससे मिली थी लेकिन उसके पास पेन नहीं था वो ऑटोग्राफ नहीं ले पाई विच कुड बी अप्रूव ऑफ देयर मीटिंग आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल यू रियलाइज यू हैव एंड आई माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू सी एंड मैं ये कहूँगी कि मेरे ब्रदर्स बहुत ही सॉरी फील करेंगे बहुत डिसअपॉइंटेड फील करेंगे क्योंकि उनके पास वो ऑटोग्राफ नहीं पहुंचेंगे जिसकी उन्हें बहुत सारी इच्छा थी एंड आफ्टर वर्क यू वेट देयर अलोन इन द आर्ड फॉर अ लॉन्ग वाइल स्टैंडिंग वे ही स्टूड द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस द शिमर ऑफ ग्रीन आइज नो टॉलर यू नो बोल्डर दिन यू द प्रोडजी द इनोसेंट जीनियस द ग्रेट डेनिक सी ये सोफी का मानना है कि फिर वो ये कहेगी कि और वो ऐसा सोच रही है कि वो बहुत देर तक वहाँ खड़ी रही और डेनी केसी उसे देखता रहा वो उसे देखती रही सेम टॉल विद ग्रीन आईज एंड शी फाउंड हिम वेरी गुड लुकिंग एंड शी सॉ इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे हिम घोस्ट पास द लम्बरिंग डिफेंडर्स हर्ड द फिफ्टी थाउजेंड कैच ब्रेथ एज ई हार्वर्ड मोमेंटरली ओवर द बॉल एक्चुअली डेनी केसी को उसने सिर्फ खेलते हुए देखा था ये सब उसकी इमेजिनेशन थी एंड उसको ये पता था कि जब वो खेलता था तो ऑलमोस्ट फिफ्टी थाउजेंड लोग अपना सांस रोक के इंतजार कर रहे होते थे कि वो कब बॉल को हिट करेगा और गोल करेगा बिकॉज ही वॉज अ वंडरफुल प्लेयर एंड दे ऑल एडमायर्ड हर बट शी एक्चुअली वर्शिप्ड हिम टिपिकल ऑफ़ एन अडोलसेंट गर्ल और एन अडोलोसेंट चाइल्ड हु वुड वर्शिप अ हीरो और एनी फेमस प्लेयर और सेलिब्रिटी एंड वो मैंटेली ओवर द बॉल एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ अ साउंड एज ई स्ट इट क्रिस्पली इन टू द गोल जैसे ही बॉल गोल के अंदर जाती थी तो एक आवाज आती थी जैसे कुछ बहुत भयानक एक्सप्लोजन हुआ है बम फटा है वो बॉल जब टकराती थी लकड़ी के गोल से तो उसकी आवाज़ आती थी एंड द सडन थंड्रस इरप्शन ऑफ द एग्जल्टेंट एप्रोबेशन सडन थंडरस थंडरस मीन्स बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाला इरप्शन जो एकदम से ऐसे इरप्ट होता था एग्जल्टेंट खुशी की अप्रोबेसन एडमरीशन उसको किसी चीज़ को एडमायर करना पसंद करना तो लोग उसको बहुत अच्छे से ताली बजा के या शोर मचा के उसको अप्रूव करते थे और उसकी तारीफ करते थे सो दैट मीन्स सोफ़ी वॉज इन हैबिट ऑफ इन डल्जिंग इन फैंटिसाइजिंग एंड हीरो बहुत सपने देखने की और उन सपनों को साकार बना के एक कहानी की तरह पेश करने की उसकी ये आदत थी उसके ब्रदर और उसके भाई बहुत उसको मना करते थे लेकिन वो उसको करती और उससे नहीं हटती थी उसकी फ्रेंड जेंसी भी उसको रोकती थी एंड दे ऑल यूज टू पुल हर आउट ऑफ दैट फेंटसी एंड ब्रिंग हर बैक टू रियलिटी बट शी वुड गो बैक इन टू ड्रीम्स टाइम एंड अगेन थैंक यू